उस वक्त सारा मैदान बस इसी नज़ारे पर अटक कर रह गया जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट देखने पहुंचे हार्दिक पांड्या कप्तान रोहित शर्मा की सेंचुरी पर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज़ आई और वो घटित हो गया जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांडे के बीच काफ़ी कुछ अजीब चल रहा है। पहले हार्दिक ने रोहित से मुंबई इंडियन की कप्तानी छीनी और फिर विवादों के बीच हार्दिक ने रोहित शर्मा को सारे प्लेटफॉर्म से अनफॉलो भी कर दिया। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के साथ एक टीम में तो क्या एक शहर में भी नहीं रहना चाहते। तभी राजकोट के तीसरे टेस्ट में हार्दिक पांड्या बिना बताए पहुँच गए और इत्तेफाकन रोहित शर्मा ने उसी दिन अपना शतक भी जड़ दिया। चारों तरफ से रोहित शर्मा के नारे गूंज रहे थे, तभी हार्दिक पांड्या ने भी रोहित शर्मा के शतक को खड़े होकर सम्मान दिया। अब ये न जाने कौन सी चाल है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।